अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ अंडों की बिरयानी। अंडों की बिरयानी के लिए मैं ले हूँ 1 किलो चावल और बासमती राइस है ये। वॉश करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको भीगने के लिए रख दी। और इसके लिए मैं ली हूँ 200 ग्राम प्याज, इसको बारीक चॉप कर ली। और ये 200 ग्राम गाढ़ा दही और 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटे, 2 मीडियम साइज के प्याज को बिरयानी के प्याज की तरह गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रख ली, ये तहे लगाने के लिए। और इसके लिए ली हमें नमक, नमक है 2 टीस्पून फुल नमक, और धनिया का पाउडर है 2 टेबलस्पून, और गरम मसाला है 2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची है 1.5 टेबलस्पून, अदरक लहसुन है 2 टेबलस्पून। एक कढ़ाई रख दी मैं, इसमें डाली 200 ml ऑयल, पाव लीटर से कम, और इसमें प्याज फ्राई करके निकाली, वही ऑयल है ये, इसमें चॉप की हुई प्याज को फ्राई करेंगे। अदहन के लिए मैं पानी रख दी, पानी में डालूंगी 2 टेबलस्पून नमक, और इसमें डालूंगी मैं 5 लौंग, 5 इलायची और 2 बड़े इलायची, 2 इंच के दालचीनी के 3 टुकड़े और 1 टेस्पूनफुल शाहजीरा और 2 तेज़पत्ते, और इसमें डालूंगी हरा मसाला, थोड़ी सी कोथमीर और थोड़ा सा पुदीना है, और 2 हरी मिर्चों को बीच से पीसेस कर ली। चलिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गई, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, अदरक लहसुन को भी गोल्डन ब्राउन होने तक, इसे 25 मिनट जाने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला, धनिया का पाउडर, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद फिर डालेंगे टमाटे, अब इसमें डालेंगे टमाटे, टमाटे डालने के बाद फ्लेम को मीडियम धीमा कर देंगे, धीमा करके ढाप 5 मिनट के लिए इसको ढाप के छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए मैं धीमे पर ढापी थी, 5 मिनट हो गए। अब टमाटे अच्छे ना धीमे पर ढापने के बाद सॉफ्ट आते, अब इसको टमाटर में अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटे साबित लहसुन है ना, इसको अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को मैं अच्छी तरह से भून लिया और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम करने के बाद इसमें दही डालेंगे, अच्छे से मिलाने के बाद फ्लेम को तेज करेंगे। इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच से पीसेस कर ली मैं, और थोड़ा सा हरा मसाला, कोथमीर और पुदीने को बारीक कट करके डालेंगे। और जो अब दही डालने का, दही का पानी जो छोटा ये पतला हो गया, इसको थोड़ा सा पकाते जाएंगे। और इसमें डालेंगे लेमन का जूस, 2 मीडियम साइज के लेमन का जूस निकाल के रखी मैं, अगर लेमन बड़ा रहा तो 1 ही काफ़ी होता, बड़ा नहीं था, मीडियम साइज के थे 2 डाले, क्योंकि चावल है 1 किलो। चलिए पानी अदहन के लिए जो रखे थे बॉईल होना शुरू हो गया, इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक बार इसको मिला लेंगे, चावल भीगे हुआ है नरम रहता टूट जाता, हल्के हाथों से एक बार अच्छे से मिलाना, अगर नहीं मिलाएंगे तो गुठलियों की तरह बन जाता चावल। चलिए पहला फर्स्ट बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे, जब तक इसको ढाप देंगे। चलिए मैं अंडों को बॉईल करके रख ली, और इसको छुरी से थोड़े थोड़े हल्के से निशाना लगा देंगे, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से पहुंच सके।
मसाले में अंडे डाल के थोड़ी देर इसको पका लेंगे। फ्लेम को तेज रखे पकाएंगे। ग्रेवी पतली है, थोड़ी सी गाढ़ी कर लेंगे। चलिए ग्रेवी तैयार हो गई। ग्रेवी को मैं थोड़ा सा हल्का सा लूज रख रही हूँ, बिल्कुल ड्राई नहीं कर रही हूँ। फ्लेम को मैं बंद कर दी ग्रेवी, ताकि जब दम पे रखते हम तो बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो नीचे पकड़ लेता, इसलिए थोड़ा सा उसको लूज कर देंगे, लूज रखेंगे हल्का सा। चलिए इसको बंद कर दिया, साइड में रख देंगे। चावल को देखेंगे, चावल हमारे बॉईल होना शुरू हो गया और मैं ढककर निकाल ली इसका, और ये कम से कम 90% कुक होना। चलिए हमारा चावल 90% कुक हो गया और फ्लेम को बंद करके इसको छान लेंगे। चलिए इसके बिरयानी की दम करने की तैयारी करेंगे। छोटे से कप के इतना पानी में ले ली, ये जो खाना पकाए थे, जो चावल पका था वही पानी है। ये डालने से ड्राई नहीं रहती यखनी और दम भी अच्छी होती और नीचे पकड़ता भी नहीं, चावल में फ्लेवर अच्छा आता है। पहली लेयर मसाले की लगाए और दूसरी लेयर चावल की लगाएंगे। फिर दूसरी लेयर, अब इस पे डालेंगे थोड़ी सी तली हुई प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इस पे डालेंगे फिर चावल की लेयर। अब इस पे डालेंगे तली हुई बिरयानी की प्याज और थोड़ा सा हरा मसाला, फिर उस पर से डालेंगे मसाला। अब लास्ट लेयर चावल के डालेंगे। लास्ट में भी फिर बिरयानी की प्याज और हरा धनिया। अब इस पे से डालेंगे 2 टेबलस्पून असली घी। मैं जो चावल जिसमें पकाई थी वही गर्म पानी में थोड़ा सा केसर को घोल के रख ली। तेज फ्लेम पे मैं भगोने को रख दी बिरयानी के, 2 मिनट के लिए तेज फ्लेम पे रखेंगे। ये 2 मिनट हो गए, तेज फ्लेम पे मैं 2 मिनट के लिए रखी थी, और आयरन का तवा डालने के बाद भी 2 मिनट तेज फ्लेम पे रखेंगे ताकि आयरन का तवा अच्छे से गर्म हो जाए। चलिए आयरन का तवा डालने के बाद भी मैं 2 मिनट तेज पर रखी थी, अब धीमा, 2 मिनट हो गए, अब धीमा कर दूंगी। धीमे फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से दम हो जाए और आयरन के तवे से जल्दी भी नहीं नीचे पकड़ता। 7 मिनट के लिए मैं दम पे धीमे पे रखी थी। चलिए 7 मिनट हो गए, माशाल्लाह हमारी बिरयानी भी अच्छे से दम हो गई। फ्लेम को बंद कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह अच्छे से दम मिलेगी। माशाल्लाह बहुत मजेदार बने।
माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। चलिए चलिए, मेरी अंडों की बिरयानी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। एक बार आप बना के देखिए, आपको पसंद आई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।